हेलो फ्रेंड्स, ग्लोबल किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जल्दी ही होली आने वाली है। होली के अवसर पर हम सभी अपने घरों पे बहुत अच्छे अच्छे मीठे पकवान बनाते हैं, जिसमें हमें खोए की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन बाजार में मिलने वाला खोया अक्सर मिलावटी होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तबीयत वगैरह खराब हो जाती है। ये सब बातें सोचते हुए आज मैं आपके लिए एक ऐसी मावा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो केवल 5 मिनट में मावा बन जाता है। इसके लिए हमें केवल 3 चीजों की आवश्यकता होती है। 1 कप मिल्क पाउडर, आधा कप दूध और 3-4 चम्मच घी। आइए मावा बनाना शुरू करते हैं। एक फ्राई पैन लिया है मैंने, गैस पे चढ़ाया है तेज आंच पर। इसमें मैं 4 टेबलस्पून घी डालूंगी। घी गर्म हो गया है, अभी थोड़ी आंच धीमी करेंगे और इसमें ये मिल्क पाउडर डालेंगे। इसको थोड़ा चलाएंगे, फिर धीमी आंच रखना है। अभी थोड़ा सा दूध डालेंगे, चलाएंगे। दूध एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। फिर थोड़ा सा डालेंगे, इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे, गुत्थी ना पड़े, ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्मूथ हो गया, अभी बचा हुआ सारा दूध डाल देंगे। अब इसको चलाना है अच्छे से। आंच हमने फुल में कर दी है। ये देखिए, इसको पकाते रहे, 3 मिनट से करीब पकाना है धीमी आंच में। देखिए पक गया है, ये घर का बना शुद्ध मावा एकदम तैयार हो रहा है हमारा। इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, गुजिया, लड्डू, बर्फी, कुछ भी बना सकते हैं। ये घर का बना होने के कारण बहुत पौष्टिक शुद्ध होता है, ये देखिए। और बहुत ही कम समय में ये बन जाता है, 5 मिनट में पूरा मावा तैयार हो जाता है। गुठली एक भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, खोया बनकर एकदम तैयार है। छेद भी आने लगे, छेद का मतलब होता है पूरा पक गया, अच्छे से तैयार है, हो गया, बन गया। अब हम गैस बंद कर रहे हैं। ये देखिए, इसको मैं पलट रही हूँ, चिपक नहीं रहा है। बर्तन भी चिपकना बंद हो जाए, ये पहचान होती है कि खोया तैयार है हमारा। अब इसकी प्लेटिंग कर देंगे। ये देखिए, मावा हमारा बनकर है। आप भी ट्राई करिए, बनाइए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और शेयर करिए। थैंक यू।